सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। सीतापुर न्यूज, सहारा इंडिया के चेयरमैन पत्नी समेत 8 के खिलाफ केस, इसे अमर उजाला ने प्रकाशित किया है। सीतापुर, सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा, उनकी पत्नी समेत 8 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। उन पर जालसाजी कर 51 लोगों के 1 अरब से अधिक रुपए हड़पने का मुकदमा लिखा गया है। मामला दर्ज कराने की मांग को लेकर सहारा निवेशक पिछले 53 दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दे रहे थे। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद धरना खत्म हो गया है। शहर के ब्रह्मपुरी कॉलोनी के निवासी नवल किशोरी मिश्रा की तहरीर पर सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा, उनकी पत्नी स्वप्ना राय सहित प्रबंध निदेशक सहारा कपूरथला ओपी श्रीवास्तव, अनिल कुमार पांडेय, राणा जिया, डीके श्रीवास्तव, रोमीदत्ता व प्रदीप श्रीवास्तव पर धारा 420 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। तहरीर में 51 निवेशकों ने बताया है कि आरोपियों ने उनके साथ छल कपट करते हुए FD, RD, सहारा क्यू शॉप व अन्य माध्यमों के जरिए उनसे निवेश करा लिया। इसके बाद अब उनको पैसा वापस नहीं मिल रहा है। वे लोग जनवरी से धरने पर बैठे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। निवेशकों ने इस कार्रवाई को लेकर संतोष व्यक्त किया है। प्रभारी इंस्पेक्टर घनश्याम ने बताया कि 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये है निवेशक। तहरीर में 51 निवेशकों का जिक्र है, जिसमें के गुप्ता, सरयू प्रसाद, लक्ष्मी देवी, मूलचंद्र, रोहिणी, प्रेमलता, मीनू, ओमेंद्र मौर्य, रामप्यारी, प्रदीप कुमार, सीता गुप्ता, विजय कुमार, रक्षा सिंह, राजकुमार श्रीवास्तव, देशराज आदि शामिल हैं। सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।